नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर में जो सैम और मैम की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बारे में आज आप सभी को समझाने वाला हूं कि जो वो सैम और मैम की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं उनको कौन सा आहार शामिल किया जाता है, कैसे उनको उनके माता पिता को सही जानकारी दी जाती है। तो अगर आप सभी आंगनबाड़ी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सैम और मैम की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने पोषण ट्रैकर को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो 0-6 मंथ से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको ओपन करते हैं। यहाँ पे जो एरो का निशान दिया गया है उसको क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस में यहाँ पर जो दिखा रहा है कि सेवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे SAM, यानी कि इसको तीव्र अति कुपोषित बच्चों को एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो उसी के बारे में आज आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे नो मोर का ऑप्शन देख रहे हैं, ये 6 मंथ से 3 साल के बच्चों की सूची है, उसमें हम लोग नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको आज हम लोग समझेंगे। आप हमारे चैनल को सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इफ़ द चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड एज सैम और मैम ऑफ द ग्रोथ चार्ट, एडवाइज द पेरेंट्स ऑन द फ्लोइंग। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि बच्चे की पहचान विकास चार्ट के सैम और मैम के रूप में की जाती है तो उनके माता पिता को निम्नलिखित सलाह देना है। तो पहले हम लोग सैम और मैम को समझते हैं कि सैम और मैम क्या होता है। तो सैम और मैम होता है, जैसे कि सैम का मतलब हो गया सेवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि तीव्र अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनको सैम में शामिल करते हैं। और जो मैम है जो जिसका मतलब होता है मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्यम अति कुपोषित। तो यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं जिनमें पहला स्टेप है इन्फॉर्म देम दैट देयर चाइल्ड्स ग्रोथ इज स्लो फॉर हर हिज एज, यानी कि उनके परिवार को सूचित करना है कि उनके बच्चे की वृद्धि उनके उम्र के हिसाब से धीमी है। तो ये सारी जानकारी आपको उनके परिवार को पहले बताना है अगर बच्चा सैम और मैम की कैटेगरी में आता है तो। एडवाइज पेरेंट्स टू पे ग्रेटर अटेंशन ऑन करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग हाइजीन एंड क्लीनलाइनेस फॉर देयर चाइल्ड, यानी कहने का मतलब है कि माता पिता को सही आहार पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने और अपने बच्चे के लिए स्वच्छता बनाए रखने की सलाह देना है। तो यहाँ पे जो दूसरा एडवाइस है वो माता पिता को देना है कि उनके जो बच्चे हैं उनको सही आहार देना चाहिए और अधिक से अधिक अपने बच्चे को ध्यान देना चाहिए। और तीसरा स्टेप में दिया गया है एडवाइज पेरेंट्स टू इंश्योर मंथली वेटिंग ऑफ देयर चाइल्ड कीप ट्रैक ऑफ देयर ग्रोथ। यहाँ पे तीसरा स्टेप में बताया जा रहा है कि उनके माता पिता को विकास पर नज़र रखने के लिए अपने बच्चे को मासिक वजन सुनिश्चित करने की सलाह दें। और जो आप लोग मंथली वजन करते हैं तो उस बच्चे पर ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो सैम और मैम की कैटेगरी में आते हैं। और उनके माता पिता को भी जो निम्नलिखित सलाह आपको दिया जा रहा है वो आपको उनके साथ शेयर करना है कि आप अपने बच्चे पर ज़्यादा करके ध्यान दीजिए। और चौथा नंबर स्टेप यहाँ पे दिया गया है इफ़ द चाइल्ड इज सिक और वीक रेफर द चाइल्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर जो सलाह देना है कि अगर उनका बच्चा बीमार या कमज़ोर है तो उसको अपने नज़दीकी अस्पताल में रेफ़र करना होगा। तो जो बच्चे की ज़्यादा स्थिति ख़राब है उसको आपको सलाह देना है कि अब आप इसको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में इसको ले जाके सही से उपचार कराएं। तो यही सारी जानकारी आपको उनके पेरेंट्स को देना है। उसी प्रकार से जो
3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम कैटेगरी दिया गया है। उस बच्चे को भी उनके माता पिता को वही सारी सलाह देना है जो कि मैंने ऊपर 6 मंथ से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए बताई है। और उसके बाद यहाँ पे जो किशोरवय लड़के हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशल फोकस ऑन हाई इंटेक कैल्शियम एंड मिनरल्स टू सपोर्ट एंड बूस्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए उच्च मात्रा में कैल्शियम और खनिजों पर विशेष ध्यान देना है। जो ये किशोरवय लड़के हैं ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड में है इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल्क कॉर्ड एंड प्रोटीन रिच फूड इन योर डाइट। तो इनको भी वही सलाह देना है कि अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ दूध दही और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। उसके बाद तीसरा नंबर स्टेप है टेक डीवर्मिंग मेडिसिन बाय द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर। तो प्रत्येक तिमाही के अंत तक आंगनवाड़ी केंद्र से कृमिनाशक दवा लेना है। और दिखाया जा रहा है काउंसलिंग अगेंस्ट अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, यानी कि जो नशीली पदार्थ है यानी कि शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ इनको परामर्श देना है कि आप नशीली पदार्थों से दूर रहें तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये किशोरवय लड़कों के सलाह देना है कि उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो किशोरवय लड़कियाँ हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ सलाह दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको गर्भवती महिला में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किशोरवय लड़कियों में भी समझाना है। जैसे कि प्रिवेंटिंग एनीमिया इन एडोलसेंट गर्ल्स, यानी कि जो किशोरियों में जो एनीमिया की रोकथाम कैसे करना है उसको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन 4 स्टेप में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि IFA की टैबलेट्स लेनी है सोने से पहले, और उसके बाद पुराना स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो आपको नया स्टॉक आंगनवाड़ी केंद्र से ले लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि अपने आहार में ग्रीन लीफी यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साग सब्जी और दूध दही प्रोटीन की मात्रा को अपने प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करना है। तो आप सभी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।